हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में रैम एंड स्टोरेज स्पेस है तो रैम एंड स्टोरेज स्पेस को आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। तो जो आपके फ़ोन में बैटरी परसेंटेज ऑप्शन है तो बैटरी परसेंटेज को सॉरी रैम एंड स्टोरेज स्पेस है तो रैम एंड स्टोरेज स्पेस को चेक कैसे करेंगे। तो सेटिंग्स पे हमने क्लिक कर दिया, तो आपकी फ़ोन सेटिंग्स आपके फ़ोन में इस तरीके से ओपन जाएगी। फिर आपको सर्च करना है रैम एंड स्टोरेज स्पेस। तो रैम एंड स्टोरेज स्पेस को आपने ओपन कर लिया है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप फ़ोन रैम्स को चेक करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। तो जो आपकी फ़ोन रैम्स है आपके फ़ोन में 4+1 यानी फिर 5 GB आपके फ़ोन में शो है, जिसमें से आप 1 GB को एक्सटेंड रैम कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से आप जो आपकी तो जो भी रैम आपकी यूसेज हो चुकी है यहाँ पर शो हो जाएगी कुछ इस तरीके से आप फ़ोन रैम्स को चेक कर सकते हैं। और साथ में जैसे फ़ोन स्टोरेज भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी 55 GB आपके फ़ोन में जो स्टोरेज है यूज़ हो चुकी है, जो आपकी बाकी स्टोरेज है आपके फ़ोन में शो हो रही है। तो इस तरीके से आप स्टोरेज को भी चेक कर सकते हैं। और जैसे आप देखते हैं कि वीडियो स्टोरेज चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, ऐप स्टोरेज चेक कर पाएंगे, या फिर गेम स्टोरेज, सिस्टम स्टोरेज, डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो स्टोरेज भी चेक कर सकते हो, ट्रैश स्टोरेज भी आप यहां से चेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप फ़ोन की जो रैम एंड स्टोरेज स्पेस है उसको आप चेक कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।